माय गॉड, यू गाइस वोंट बिलीव इट, इतना फिल्मी सीन हुआ। जैसे ही मैंने और जायरा ने अंदर एंटर किया, सामने उमेर के दोनों पेरेंट्स और अंकल। कौन? वही अंकल जिनकी जायरा ने इंसल्ट की थी। नहीं नहीं ओह गॉड, इट वाज सो एम्बैरेसिंग बट फनी एट द सेम टाइम। यार कोई बाकी बड़ा सीरियस मसला हो गया। वो दोनों एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन जालिम समाज तो बीच में आ गया। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हर लव स्टोरी में कोई ना कोई पंगा क्यों हो जाता है? तुम्हें मजाक लग रहा है? उस बेचारी की जान पर बनी होगी। मैं आता हूँ। यार आप लोगों को पता तो है मुझे टेंशन में भूख ही नहीं लगती। मैं बस आया ना यूं। हाँ बेटा, लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गया ना, सुबह चले जाना। अम्मी आप जायरा को जानती तो हैं, वो पूरी रात सोच सोच कर खुद को ही बीमार कर देगी। मैं बस यूं गया, यूं आया। बहुत बोलती हो तुम नरमीन। काश जायरा को ये बात पता होती कि भाई कितना ख्याल रखते हैं उसका और कितनी मोहब्बत करते हैं उससे। नरमीन बस आज तो तुम्हें ये बात कह दी है, आइंदा मत करना। साथ की इंगेजमेंट हो चुकी है और जायरा की भी देखना, जल्दी शादी हो जाएगी। दोनों बचपन के दोस्त हैं और कुछ नहीं, हमेशा दोस्त रहेंगे। I'm just saying. अच्छा मुझे राइस पास करते हैं। No, मैं डालू? Just one spoon. Yeah. यार प्लीज ये डिप्रेशन बंद करो। कह रहा हूँ ना मैं, सब ठीक हो जाएगा। सास, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और मेरा इम्प्रेशन जो उमेर के अबू पे पड़ चुका है वो बहुत बुरा है। तुमने उमेर को कॉल भी की है? हिम्मत ही नहीं हो रही। जायरा तुमने उनसे किसी अनरीजनेबल बात पे झगड़ा नहीं किया, यू शुड नो दिस। I think I was a bit too harsh. But you know what? अगर मेरी जगह कोई लड़का होता ना, फिर तुम देखते। अरे अंकल ने मेरी सीवी फाड़ दी। नहीं ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। He shouldn't have done this. लेकिन हो सकता है शायद किसी चीज का प्रेशर हो उनपे, हो सकता है शायद उन्होंने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। You know, maybe he's embarrassed too. और से क्या देख रही हो तुम? You're a good guy. बाकी ओनली एक सेकेंड जाना जरा। तुम बाकी मुझे पसंद करती हो? अब एक काम करता हूं, मैं अपनी एंगेजमेंट जो है ना नवीन के साथ, आई ब्रेक इट ऑफ। उसको कह दूंगा मैं और जायरा बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड वी जस्ट वांट टू गेट मैरिड। क्या ख्याल है? साल तुम पागल हो, यू क्रेजी। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई। अब प्लीज वो डिप्रेशन वाली शक्ल बना के ना बैठ जाना, बहुत बुरी लगती हो तुम। चलो अब जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। कॉफी मैं बनाऊंगी लेकिन बीट तुम करोगे। हां प्लीज, लेकिन जल्दी लेके आना। आई हैव टू गो। चलो ना। Have to go. Come, Polly. Let's go.